सब्सक्राइब करें पंजाबी फैशन डिजाइनर को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपलोड आप तक आसानी से पहुंच जाए। हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम आपको पैजामे की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताएंगे। तो ये हो गया हमारा पैजामे का कपड़ा जिसे हमने इस तरीके से डबल बिछाया है। अब हम आपको नापी के बारे में बता दें कि पैजामे की नापी के लिए हमें तीन नाप की जरूरत पड़ेगी। पहला लंबाई, दूसरा कमर और तीसरा मोहरी। ये तीन नाप की हमें ज़रूरत पड़ेगी। हम आपको बता दें हमारी लंबाई है 34 इंची और कमर है 33 इंची और मोहरी है 19.5 इंची। तो हम आपको बता दें कि हमारी कमर है 33 इंची, तो 33 इंची का हम यहाँ पर चौथाई लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये कपड़ा हमारा, फिर से हम आपको बता दें, ये कपड़ा हमारा डबल बिछा हुआ इस तरीके से। यहाँ पर हम कमर का चौथाई लेंगे, तो कमर का चौथाई 33 के हिसाब से हमारा आ जा रहा है 8.25 इंची। तो 8.25 इंची में हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे और 5.5 इंची हम यहाँ पर इसकी बढ़ती देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें इसे फोल्ड करना है। तो ये हमारा 5.5 हो गया, ये टोटल मिलाकर हमारा 14 इंची का नाप खड़ा हो रहा है। तब हम यहाँ पर जो हमारा 14 इंची तक हमारा ये नाप आ रहा है, तो इसे भी हम 14 इंची तक फोल्ड करेंगे। तो इसे हम इस तरीके से लेंगे। तो दोस्तों, हमने 14 इंची में इसे फोल्ड कर दिया है। एक बार हम आपको और दिखा देते हैं, ये हमने इस तरीके से इसे फोल्ड किया है और इसे हम नाप कर भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ से हम नापते हैं, ये हमारा आ रहा है 14 इंची। यानी फिर से हम आपको बता देते हैं, कमर का चौथाई प्लस 5.5 इंची हमने यहाँ पर लिया है। तो इस तरीके से हम इस कपड़े को बिछाया है। अब सबसे पहले हम ऊपर की तरफ एक मार्क लगाएंगे। अब हम 2 इंची का मार्क लगाएंगे। देखिए दोस्तों, ये हम ऊपरी भाग काट रहे हैं पैजामे का, यहाँ पर हमने 2 इंची नेफे के लिए छोड़ दिया है। अब हम आसन का मार्क लगाएंगे, तो आसन का मार्क हमें 14 इंची में लगाएंगे। तो इंची टेप को हमें इसी तरीके से रखना है, कहीं पर हिलाना नहीं है। तब हम आपको बता दें कि हमारी लंबाई थी 34 इंची, तो 34 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे और 2 इंची हम मोहरी की मार्जिन देंगे। तो दोस्तों, ये सभी मार्क हमारे लग गए हैं। अब इसे हम सीधा कर लेते हैं। ये आसन वाले मार्क को सीधा कर लिया, ये मोहरी वाले मार्क को भी सीधा कर लेना है। अब हम आपको बता दें कि हमारी मोहरी थी 19.5 इंची, तो 19.5 इंची का हम यहाँ आधा लेंगे, तो ये हमारा 10.25 इंची आएगा। तो 10.25 में हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। तो 10.25 में हमने ये मार्क लगा दिया है। अब पैजामे की हम शेप देंगे, तो इसी मार्क से हम पैजामे की शेप देना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये शेप हमारी यहाँ तक की सीधी आएगी थोड़ी दूर तक, फिर उसमें हल्की हल्की हमारी इसे गोलाई में बन जाएगी। तो दोस्तों, ये हमारे पैजामे का मार्क लग गया है। अब हम इसे काटेंगे, तो पहले हम नीचे से इसे काटेंगे, इसी मार्क से हम इसे काटेंगे और यहाँ पर हम कम से कम 1.5 या 1.25 इंची की मार्जिन रखकर इसे काटेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमने 1.5 इंची की मार्जिन रखी है, 1.5 या 1.25 इंची की मार्जिन रखनी है हमें, और उसके बाद ये मार्जिन ऊपर में जाकर कम हो जाएगी, यहाँ पर जाकर हमारी कम हो जाएगी। अब इसे हम काट लें। इधर से भी काट लेंगे। तो ये पैजामा हमारा कट गया है। अब हम इसकी सिलाई करके आपको दिखाते हैं कि इसकी सिलाई हमें किस तरीके से करनी है। इसे हम पहले लपेट लेते हैं, तो पहले इसे हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब हम एक ठो इसके लिए म्यानी काटेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा कपड़ा बचा हुआ है, इसी में हम म्यानी निकालेंगे पैजामे की। में हम म्यानी को निकालेंगे, तो म्यानी को हमें इस तरीके से निकालना है। तो देखिए दोस्तों, इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और कैंची से इसे काटेंगे। काफ़ी आसान है म्यानी निकालनी भी। तो ये हमारी म्यानी कट गई है। अब इसे हम यहाँ पर शेप दे देते हैं हल्की सी। तो ये म्यानी हमारी कट गई है। अब हम पैजामे को सीकर दिखाते हैं कि पैजामे की सिलाई किस तरीके से हमें करनी है। तो चलिए करते हैं।
तो दोस्तों पजामा सीने से पहले हम आपको बता दें कि हमने ये पजामे में जो मार्क लगाया है इसे हम पीछे की तरफ उठा लेंगे। तो हम आपको बता दें किस तरफ हमें उठाना है। एक पल्ला हमने ये लेना है, फिर दूसरा पल्ला हमने ये लेना है, यही दूसरे पल्ले के हमने ये पीछे मार्क इसे आप इस तरीके से उठा लें, इस तरीके से आप इस मार्क को उठा लें। तो ये मार्क हमारा लग गया है और ये जो हमारा आसन का मार्क जो हमने लगाया था यहाँ पर हम एक कट देंगे, यहीं पर हमारी एक म्यानी लगेगी। तो अब हम इस पल्ले को अलग कर लेते हैं। तो हमने ये कट लगा दिया है, अब हम दोनों पल्लों को अलग कर लेते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों एक पल्ले को हमने इस तरीके से लेना है और इसे हम सीधे पल्ले में खोलेंगे। तो हमने इसे सीधे पल्ले में इस तरीके से खोल लिया है। अब हम म्यानी को लेंगे, तो एक म्यानी हमारी इस तरफ लगेगी। तो ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पर हमने आसन का कट दिया है, यहीं पर हम म्यानी को लगाना है। और एक चीज़ हम आपको और बता दें, ये जो नुकीली वाला जो हिस्सा रहेगा म्यानी का, ये हम ऊपर की तरफ रखेंगे और ये जो हमारी चौड़ाई है नीचे की गोलाई, इसे हम नीचे की तरफ रखेंगे। तो इस तरीके से हम म्यानी को लगाना है। एक म्यानी हमारी इस तरफ लगेगी और एक म्यानी हमारी इस तरफ लगेगी। यहाँ जहाँ पर हमने कट दिया है इसी के पास में हम म्यानी को लगाएंगे। तो चलिए लगाते हैं, यह हमारा आसन का कट जहाँ पर हम म्यानी को लगाएंगे। तो ये हो गया हमारी म्यानी, इसे हम इसे अच्छी तरीके से यहाँ पर बैठाएंगे। यहाँ तक हम कट के पास इसे बैठाएंगे और इसमें हम सिलाई देंगे। तो इसके ऊपर भी हम एक सिलाई और दे देंगे। तो ये सिलाई हमारी एकदम म्यानी के किनारे होगी। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी म्यानी को जोड़ेंगे। ये हो गया हमारा आसन का कट। इसमें हम सिलाई देंगे। इसके भी हम किनारे सिलाई देंगे। तो ये म्यानी हमारी दोनों तरफ लग गई है, इधर भी हमारी म्यानी लग गई है और इधर भी म्यानी लग गई है। अब हम दूसरे पल्ले को लेंगे, इसके साथ जोड़ेंगे। तो ये हो गया हमारा दूसरा पल्ला। इसे हमने इस तरीके से बैठा लिया है और इसके किनारे हम इसकी सिलाई देंगे। तो ये सिलाई हमारी 1/2 इंची की होगी। तो देखिए दोस्तों, हम इसे मार्क मार देते हैं। ये सिलाई हमने 1/2 इंची की यहाँ पर देनी है और यहाँ तक हमारी सिलाई आएगी और उसके बाद हम ये म्यानी को अंदर की तरफ खींचेंगे। इसे हम अंदर की तरफ खींचेंगे और इसमें हम सिलाई दे देंगे। इसी के बराबर में, म्यानी के बराबर में हम इसकी सिलाई देते हुए इसे सीधा सिलाई मार देंगे। तो इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी सिलाई को देंगे। तो चलिए करते हैं सिलाई। तो दोस्तों ये जो हमने मार्क मारा था, इसी मार्क से हम इसकी सिलाई देंगे। तो देखिए, हम एक बार आपको फिर से बता देते हैं अच्छी तरीके से। ये हमारा आसन वाला पल्ला है और ये हमारी म्यानी है और ये जो हमने अभी मार्क मारा था, इसी मार्क से हम सिलाई देते हुए म्यानी को जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। इसे हम 1/2 इंची मार्जिन लेकर ही जोड़ना है। दोस्तों हमने ये म्यानी तक की सिलाई ले ली है। अब म्यानी को हमें बहुत ही अच्छे तरीके से सीना है ताकि ये म्यानी हमारी अच्छे तरीके से बैठ सके। इसे हम म्यानी को इस तरीके से पकड़ेंगे और इसे हम अंदर की तरफ लेंगे और इसी के बराबर हम इसकी सिलाई देंगे। तो इसी तरीके से हम अंदर की तरफ इसे लेना है और ये जो हमारा पल्ला है इसी के बराबर में ये म्यानी हमारी आ जाएगी और हम इसमें सिलाई देंगे। एक तरफ की हमारी सिलाई हो गई है, इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी सिलाई को देंगे। तो ये हमें दूसरी तरफ भी इसी तरीके से सिलाई करनी है। 1/2 इंची की मार्जिन ऊपर में देकर हम इसे सिलाई करेंगे। तो इधर की म्यानी को भी हमें बहुत ही अच्छे तरीके से बैठाना है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा नीचे का पल्ला सीधा आ रहा है
और मियानी हमारी इस तरफ भाग रही है, तो इसे हम इस तरफ लेकर आएंगे और बहुत ही सफाई से इसे लेकर आना है। उसके बाद ही सिलाई देनी है। तो दोस्तों हमने इसे इस तरीके से सी लिया है। अब हम इसे सीधे की तरफ पलट लेंगे। तो इसे हमने सीधे की तरफ इस तरीके से पलट लिया है। अब इसके किनारे भी हम इसकी सिलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये कपड़ा हमारा बहुत ही लचीला है। इसे पीछे हाथ देखकर ही सिलाई करें, नहीं तो ये हमारी पूरी चूने इसमें पड़ जाएगी। इसमें पीछे में हाथ देखकर हमें ज़रूर सीना है। तो इधर की हमारी सिलाई हो गई है। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी सिलाई को देंगे। तो इधर की भी हमारी सिलाई हो गई है। अब हम आपको इसे अच्छी तरीके से आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों हमने पजामे को इस तरीके से सी लिया है। हमारी मियानी भी लग गई है। तो अब हम ऊपर की तरफ इलास्टिक को लगाएंगे। तो ये हमने मार्क मारा है, इसी के हिसाब से हम इसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से। और ये होगी हमारी इलास्टिक जो कि हमारी इसके अंदर लगेगी। इसी के मार्क के हिसाब से हम इसे फोल्ड करेंगे और इसे हम यहाँ पर लगाएंगे। हम आपको बता दें कि इलास्टिक हमें कितनी लेनी है। हमारी जितनी भी कमर आए उससे हम 5 या 6 इंची इलास्टिक को कम लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने ये इलास्टिक ली है 28 इंची और हमारी कमर है 33 इंची। तो यानी हमने 5 इंची इसमें कम लिया है। तो ये हमारी आ रही है 28 इंची। तो ये इलास्टिक को हम ऊपर की तरफ लगाएंगे और इलास्टिक लगाने के बाद हम इस तरफ की सिलाई देंगे जहाँ पर हमारा मार्क लगा है। ये सिलाई हमारी यहाँ से होकर, इस मार्क से होकर हमारी नीचे तक की जाएगी। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम इलास्टिक को इस तरीके से 1/2 इंची चढ़ाकर इसमें हम सिलाई देंगे। तो इलास्टिक को हमने इस तरीके से जोड़ लिया है। अब हम इस नेफे को लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पजामे का ऊपरी वाला हिस्सा है जहाँ पर हमारा नेफे का मार्क लगा हुआ है, जहाँ पर हम इलास्टिक को लगाएंगे। तो ये हमारी इलास्टिक हो गई और ये जो हमारा मार्क है, इसी मार्क से हम इसे फोल्ड करेंगे। तो इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम इसकी सिलाई देंगे। तो ये सिलाई हमारी एकदम किनारे होनी चाहिए, इलास्टिक के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए। तो चलिए करते हैं सिलाई। तो देखिए दोस्तों, हमने इसे इस तरीके से ले लेना है और 1/2 इंची हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम इलास्टिक के पास में इसे रखेंगे और इसमें हम सिलाई देंगे। तो ये सिलाई हमारी इलास्टिक के ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो अब हम इसमें सिलाई देते हैं। इलास्टिक को हमें हल्का हल्का इसे खींचते जाना है। उसके बाद ही हम इसकी सिलाई देंगे। तो दोस्तों, ये हमारी सिलाई लग गई है। अब हम इसे अच्छी तरीके से इस तरीके से खींच लेंगे। तो इस तरीके से हमें इसे खींच लेना है ताकि ये कपड़ा हमारा सब तरफ से बराबर आ जाए। और इसके ऊपर हम एक सिलाई और देंगे। तो ये हम पीछे से हल्का से इसे टान कर सिलाई देंगे ताकि ये इलास्टिक हमारी सही से बैठते हुए जाए। तो ये हमारी इलास्टिक लग गई है। अब हम मोहरी से आसन तक की सिलाई करेंगे। तो ये हमारा आसन हो गया, यहीं से हम सिलाई को स्टार्ट करेंगे। इसे हम अच्छी तरीके से यहाँ मिला लेंगे और इसके बीचों बीच हम इसकी सिलाई करेंगे। तो हमने जो ये मार्क मारा है, इसी मार्क से ही ये सिलाई होगी।
दोस्तों हमने ये म्यानी तक की इस तरीके से सिलाई आधे में कर ली है। अब हम दूसरे पल्ले में मोहरी से सिलाई को स्टार्ट करेंगे। तो यह हमारा दूसरा पल्ला, यहाँ सिलाई स्टार्ट करते हैं। इसे भी हम मार्क से सिलाई करेंगे। तो दोस्तों हमने ये आसन से मोहरी तक की सिलाई कर ली है, अब हम मोहरी में सिलाई देंगे। तो उससे पहले हम इसे सीधा कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने इसे पैजामे को इस तरीके से सीधा कर लिया है, अब हम मोहरी की तरफ आएंगे और यहाँ पर हम इसकी सिलाई देंगे। तो इसे हम इस तरीके से पकड़ना है, यहाँ पर हम पौन इंची फोल्ड करेंगे और फिर हम इसे एक इंची फोल्ड में ले आएंगे और इसमें हम सिलाई देंगे। तो ये मोहरी को हमने जिस तरीके से सिया है उसी तरीके से हम दूसरी तरफ की मोहरी को भी सी लेंगे। तो ये हमारी इधर तरफ की मोहरी भी हमने इस तरीके से सी ली है। तो अब हम इसे सीधा करके आपको दिखाते हैं कि ये पैजामा हमारा किस तरीके से बना है। तो दोस्तों ये पैजामा हमारा बन गया है, अब हम आपको अच्छी तरीके से दिखा दें। और ये पैजामा बनाने का तरीका आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।